रख हौसला बुलंद, ये धरती भी तुम्हारी है और ये आसमान भी तुम्हारा है। कहते हैं ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसीलिए उम्र रहते ही खुलकर जी लेना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ही कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आप पर आप नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में जब आप जवान और स्वस्थ होते हैं तभी कुछ खास एडवेंचर्स एक्टिविटीज़ का आनंद उठा लेना चाहिए। अगर आप इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ का आनंद उठा लेते हैं तो आपको बाद में पछतावा भी नहीं होता है, और कई एक्टिविटीज़ तो 30 से 35 साल के बाद आप कर भी नहीं पाते। इसीलिए हालांकि 50 से पहले आप कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का मज़ा ले सकते हैं, और हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी उम्र 56 साल की है, हरियाणा के नरनौल हवाई पट्टे पर स्काई डाइविंग ड्रॉप जोन में टेंडम स्काई ड्राइव किया और उन्होंने साथ ही उन्होंने अपने उत्साह और अनुभव को साझा करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर यह लिखा कि वास्तव में रोमांचकारी नए और साहसी भारत के लिए आसमान की कोई सीमा नहीं है। तो आज जो मुद्दा है, हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ पर ये शो खास लेकर आए हैं और बताएंगे आपको, समझाएंगे आपको कि आखिर एडवेंचर स्पोर्ट्स कितने ज़रूरी होते हैं, किस तरह के लोगों को एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्राई करने चाहिए, और किस उम्र के बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो थोड़ा सा जोखिम आपके लिए बढ़ सकता है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और मेरे साथ खास मेहमान जो चर्चा में जुड़ गए हैं, उनके अनुभव भी हम समझेंगे और साथ ही क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं आपको हम सलाह भी देंगे। हमारे साथ पद्मश्री लवराज सिंह, धर्मशक्तु बीएसएफ ऑफिसर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, रमेश भुरुक इंस्ट्रक्टर फ्लाई सयाद्री पैराग्लाइडिंग, डॉक्टर मुरारजी खटके कंसल्टेंट रूबी हॉल क्लिनिक पुणे, डॉक्टर हेमंत मदान सीनियर डायरेक्टर प्रोग्राम हेड कार्डियक साइंसेज नारायण हॉस्पिटल। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत उत्साह अमूमन लोगों में रहता है, और हमने देखा किस तरह से मंत्री साहब ने भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा किया है, लेकिन जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा भी है। इसी दायरे को समझने की हम कोशिश करते हैं, और लवराज सिंह जी आप ही से जानना चाहेंगे हम, एडवेंचर स्पोर्ट्स की जब हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग कुछ आम चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से वेस्ट में मशहूर है तो लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको लेकर हम परिचित नहीं हैं, बताइएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यदि एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात करें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत सारे चीज़ें आती हैं। आपने बोला कि राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, माउंटेनियरिंग, स्कीइंग और आइस स्केटिंग, ऐसे बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, पैरामोटर है, इस तरह से बहुत सारे गेम हैं जिसको आप कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी आप एडवेंचर फील्ड में आप जाना चाहते हैं और जो भी स्पोर्ट्स को आप करना चाहते हैं उसमें प्रॉपर यदि ट्रेनिंग आपका है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ट्रेनिंग करने के बाद ही आप यदि इस फील्ड में आगे जाएँ तो आपको, आपके लिए सेफ्टी भी है और आप इंजॉय भी कर सकते हैं। बिल्कुल, शारीरिक तौर पे आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, और ऐसे में हर किसी के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स करना मुमकिन भी नहीं है। रमेश जी, आप मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्टर भी हैं, पैराग्लाइडिंग को लेकर लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, गाइडेंस देते हैं। अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए शायद मेरे ख्याल से अलग अलग तरह की फ़िटनेस की ज़रूरत होती है, और आप इन्जॉयमेंट करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये एक बात है, और अपनी सेहत का आपको किस तरह से ख्याल रखना है और क्या आपकी आपका फ़िटनेस रिजीम और आपका स्वास्थ्य क्या ये सब चीज़ के लिए अलाउ करता है, ये अलग बात है। जहाँ तक पैराग्लाइडिंग की बात है, मुझे बताइएगा किस तरह से इसमें डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है? दिखने में तो काफ़ी रोमांचक लगता है, लेकिन हेल्थ भी आपकी अलाउ करनी चाहिए इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ मुझे इस शो में आपने इनवाइट किया। तो एक्चुअली क्या है ना, हर तरह के एडवेंचर स्पोर्ट में हमें हमारा फिजिकल फिटनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। खासतौर के अभी जो हम स्पोर्ट करवाते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में पैराग्लाइडिंग, वहाँ पर ये जो स्पोर्ट है काफ़ी फेमस हो रहा है आजकल। इंडिया में बहुत सारे प्लेसेस है वहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी करवाते हैं, खासतौर पर काम क्षेत्र में ट्रेनिंग
कुछ लोग टैंडम जो राइड करने आते हैं, और ये सब में ये जो स्पोर्ट करने में आते हैं हर उम्र के लोग रहते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पर फिजिकल फिट रहना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है हर तरह के एडवेंचर एक्टिविटी, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, पैरा मोटरिंग हो, स्काई डाइविंग हो, या रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, जो भी एडवेंचर ट्रेकिंग वगैरह, उसमें हमारा फिजिकल फिट होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। और इस चीज़ में एक्चुअली ऐसा है ना कि आप जितना फिट रहोगे उतना ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे, ऐसा है रहता है। क्योंकि देखो आप ये जो फिटनेस है हमारा, जो मेडिकल इश्यूज रहते हैं उस वजह से हम ये एक्टिविटी कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि इस तरह की एक्टिविटी हमें करना है, लेकिन कुछ लोग इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं रहते। तो सबसे पहले हमें ये फिटनेस की लिए काफ़ी केयर लेना होता है, ये जो स्पोर्ट रहते हैं वो करने से पहले। चलिए डॉक्टर हेमंत आपके पास आएंगे बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है. जैसे कि 56 वर्षीय हमारे मंत्री साहब ने तो स्काई डाइविंग का लुत्फ उठा लिया है, लेकिन इस उम्र के हर शख्स के लिए मेरे ख्याल से स्काई डाइविंग अलाउड नहीं होगी. तो दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स करें या ना करें, लेकिन साथ ही वो तमाम लोग जो थोड़े से कमज़ोर दिल के हैं उन्हें किस तरह से बचना चाहिए, कौन कौन से ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और साथ ही क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो कितना ज़रूरी भी होता है इस तरह के स्पोर्ट्स में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना. नॉट दैट कि आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो जाइए, लेकिन क्या कुछ कर सकते हैं अगर थोड़ा सा एज अ पार्ट ऑफ योर फिटनेस रिजीम अगर आपको कुछ रेगुलरली भी करना हो तो. बहुत सारे सवाल मैंने पूछ लिए हैं बट गाइडेंस दीजिए. मैं इसके बारे में आपको, आपने एक्चुअली तीन अलग अलग मुद्दे जी उठाए हैं। तो पहला मुद्दा तो ये है कि इज देयर अ कट ऑफ ऑफ एज जिसके बियॉन्ड हम कहें कि हम कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट नहीं कर सकते। मेरे अपने हिसाब से जो हमारी फिजिकल एज है दैट इज जस्ट अ नंबर, व्हाट रियली मैटर्स इज कि आपकी फिजियोलॉजिकल एज कैसी है। जैसे रमेश साहब ने बोला कि बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अ मैन में भी 50 इयर्स ओल्ड बट उसकी बॉडी में लुक लाइक 80 इयर्स ओल्ड, एंड अ पर्सन में भी 80 इयर्स ओल्ड बट ही में हैव अ फिटनेस रेजिम विच इंश्योर्स दैट ही इज लाइक अ 50 इयर ओल्ड। तो ऐसी फिजिकल एज का कोई कट ऑफ मेरे मायने में नहीं होना चाहिए और होता भी नहीं है। दुनिया भर में लोग स्पोर्ट्स करते हैं, और मेरे अपने नॉलेज में आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि पैराग्लाइडिंग के दौरान किसी का हार्ट अटैक आ गया और वो प्रॉब्लम ड्यूरिंग एन एडवेंचर सपोर्ट, एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। मे बी एक आध कोई इंसिडेंट रहा हो। हैविंग सेड दैट, बियॉन्ड द एज ऑफ 50 और 55 एक बेसिक मेडिकल शेड्यूल या एक बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन करने की डेफिनेटली आवश्यकता है, इवन इफ यू आर परसीवेबली हेल्दी। इवन अगर आपको लगता है कि मैं, आपने एक एडवेंचर सपोर्ट करना है, चाहे पैराग्लाइडिंग करना है, चाहे रिवर राफ्टिंग करना है, आपको एक बेसिक अपनी हेल्थ के बारे में एक चेकअप कराने की आवश्यकता है। आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा कि आप डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, तो थोड़ा जो आपका इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़े ज्यादा डिटेल्ड होंगे। अगर आप एसेंशियली हेल्दी हैं, कोई रिस्क प्रोफाइल नहीं है, तो थोड़े हल्के इन्वेस्टिगेशंस होंगे। बट बियॉन्ड द एज ऑफ 50-55 एक बेसिक चेकअप कराने की जरूरत है। आई विल जस्ट टेक यू बैक 20 इयर्स। ऑफ कोर्स आई कांट टेक नेम्स हियर, बट मैं उस समय इंडियन एयरफोर्स में सर्व करता था, और इंडियन एयरफोर्स को सारी मेडिकल क्लियरेंसेस फॉर एविएशन रिलेटेड क्लियरेंसेस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो एक बहुत जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेस्ड इन बॉम्बे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉट एयर बेलून फ्लाइंग। एवरी ईयर ही वुड, पेरिस में एक हॉट एयर बेलून का एक कॉम्पिटिशन होता है। एट द एज ऑफ 86 ईयर्स ही वॉज पोस्ट बाईपास सर्जरी। एट द एज ऑफ 86 ईयर्स उनको मैंने क्लियरेंस दिया था कि ही कैन गो अहेड एंड फ्लाई, बिकॉज बाईपास सर्जरी के बाद ही वॉज डूइंग वेल, हिज रिस्क फैक्टर्स वर अंडर कंट्रोल एंड ही सक्सेसफुली कंप्लीटेड। मेरे पास 3 साल आए एंड तीनों साल मैंने उनको क्लियरेंस दिया। ऑल 3 ईयर्स ही अंडरवेंट द प्रोसीजर, अंडरवेंट द एडवेंचर एक्टिविटी। तो ये डेफिनेटली एक बेसिक एग्जामिनेशन के बाद इंसान को सर्टिफाई किया जा सकता है। जहां तक रही बात तीसरे के
you know, what are the advantages and whether it should be done as an activity. Of course, it gives you, if it gives you pleasure, it should be done as an activity. इसमें क्या, अगर एक इंसान को किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी से या किसी पार्टिसिपेशन से उसको खुशी मिलती है एंड ही कैन अफोर्ड इट, ही कैन फिजिकली डू इट, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद. श्योर ऑल ऑफ अस हैव हर्ड ऑफ मिस्टर फौजा सिंह हु रन्स मैराथॉन्स एट अराउंड 100 इयर्स ऑफ एज. तो ये तो एक इंसान की एक खुशी देने वाली बात है, अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली आई एम नोबडी टू से कि नहीं करनी चाहिए. The only thing I want to advise as a doctor is के अपने आप को पहचानो, अपने शरीर को पहचानो. If you are physically fit, if you are certified, please go ahead and do it. लेकिन डॉक्टर हेमंत, यहाँ पे ये सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होती हैं. ठीक है, आपके अंदर जोश है, जज्बा है, आपका शरीर साथ दे रहा है, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए. लेकिन ये अधिकतर एडवेंचर स्पोर्ट्स ना बहुत टूरिस्टी एक्टिविटीज़ भी होती हैं. आई मीन, आई एम श्योर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कहीं घूमने फिरने निकले हैं, अच्छा यहाँ पर ये एक्टिविटी हो रही, तो चलो ट्राई कर लेते हैं, भले ही आप विदेश में जाके करें या आप गोवा भी जाके कर लें. तो ये इम्पल्सिव जब आप निर्णय लेते हैं किसी भी तरह के एडवेंचर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने का, तो इसमें कितने खतरे हो सकते हैं आपके लिए, जरा इसके बारे में बताइएगा. बाय एंड लार्ज जो एडवेंचर सपोर्ट, जो एडवेंचर स्पोर्ट, जिस टूरिस्टी वाला जो एडवेंचर स्पोर्ट होता है, उसमें जनरली एक तो दो चीजें हैं. पहली चीज तो है कि मोस्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड सेंटर्स वो आपसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं या एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि भाई आपको कोई इलनेस नहीं है और आप फिट हैं इसमें करने के लिए. हैविंग सेड दैट, बाय एंड लार्ज इन एक्टिविटीज में आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर गोइंग विद अ गाइड, वो गाइड सब कर रहा है. पैराग्लाइडिंग में जो है वो आपको लगता है कि मैं उड़ा रहा हूँ, मगर एक्चुअली जो आपके पीछे है वो उड़ा रहा है. तो इसलिए वो वन ऑफ एक्टिविटी, ऑब्वियसली इट इज एज रिलेटेड. अगर आप 80 साल के हैं, आप वहां तक पहुंचे ही इतनी मुश्किल से हैं, तो फिर नेचुरली इट इज नॉट फॉर यू, एंड फिर आपका जो गाइड है, जो इंस्ट्रक्टर है, वो भी आपको नहीं लेगा. बट बाय एंड लार्ज दीज एक्टिविटीज, सपोज यू आर एट माई एज, अब मैं हर रोज दिन के 4-5 किलोमीटर चलता हूँ, दौड़ता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरे को भी बुरा लगेगा अगर कोई मुझे बोलेगा कि नहीं आप उस एज के नहीं है कि आप नहीं कर सकते. तो एज आई यू नो व्हाट आई स्टार्टेड विद, एज इज जस्ट, फिजिकल एज इज जस्ट अ नंबर, व्हाट मैटर्स इज योर फिजियोलॉजिकल एज. चलिए रमेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर मुरारजी को हमने चर्चा में अभी तक शामिल नहीं किया है, उनसे भी एक सवाल लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ. डॉक्टर मुरारजी, अब आप भी बताइएगा, यहाँ पर डॉक्टर हेमंत ने तो दिल का हाल, कैसे आपका ठीक रहे और कैसे स्वस्थ रहे, लेकिन एक ENT के नज़रिए से अगर मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स को समझना हो तो क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, किस किस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में? नमस्ते, मैं सब दर्शकों को और सब डॉक्टर्स और जो पास बोर्ड पे सबको मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कॉल बुलाया है. ENT परस्पेक्टिव अगर देखा जाए तो जो हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर स्पोर्ट्स रहते हैं, जिसमें आपके प्रेशर रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, वो कान के दायरे से काफ़ी परेशान कर सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि हाई एल्टीट्यूड में जब आप जाते हैं फ्लाइट से भी, तो बहुत सारे लोगों को चक्कर आने का चांस, कान में ब्लॉक होना, हेडेक होना, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वाले, तो जो लोगों को रेस्पिरेटरी इश्यूज रहते हैं, जिन लोगों को चक्कर आने के चांसेस रहते हैं, जिनको स्पॉन्डिलोसिस हो, तो उन लोगों में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, उसके हिसाब से उनको फिटनेस लेके उन्हें वो करना चाहिए. जिनको ईयरड्रम रप्चर हो, जिनको ईस्ट्रोजन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिनको डेविटेड नेजल सिम्टम हो, जिनको एलर्जिक सिम्टम्स रहते हैं, जिनको पॉलीपोसिस और अस्थमेटिक अटैक्स के चांसेस रहते हैं, तो उन लोगों ने अच्छे से उसके लिए मेडिसिन लेके, क्लियरेंस लेके अपने डॉक्टर से उन्हें वो स्पोर्ट्स करनी चाहिए, और साइड बाय साइड उन्हें वो मेडिसिन भी साथ में कैरी करना चाहिए जो उनको इमरजेंसी के लिए काम आ सकते हैं. जो लोगों को हार्ट एक्टिविटीज की वजह से जिनको ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है, उन लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए. साथ में O2 सिलेंडर्स कैरी करना जरूरी है. जो माउंटेनियरिंग करने जाते हैं या ट्रेकिंग करने के लिए हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, उन्हें वो ख्याल रखना चाहिए. चलिए रमेश जी, आप कुछ कह रहे थे हमारी पिछली बात पे, बताइए. जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर से बिल्कुल सहमत हूँ. कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है जो फिटनेस की, लेकिन क्या है ना, पैराग्लाइडिंग में दो पार्ट्स रहते हैं, एक ट्रेनिंग रहता है और एक टैंडम जॉयराइड.
अच्छा जिसके बारे में आपने बताया, तो जो ट्रेनिंग रहता है उसमें थोड़ा सा भागदौड़ तो रहती है, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि फिटनेस की जरूरत रहती है। बिल्कुल बाकी जो का फिटनेस है, जो जॉय राइड करवाते हैं, आपके साथ इंस्ट्रक्टर आता है, वो आपको हवा में लेके जाता है, आपको बिल्कुल चेयर रहती है बैठने के लिए, महाराजा सीट टाइप, तो उस टाइप की चेयर रहती है बैठने के लिए, तो उसके लिए मैं डॉक्टर से सहमत हूँ। बिल्कुल, बहुत वीडियोस भी हमने देखी है जहाँ पे शुरुआती जब शुरू होता है पैराग्लाइडिंग का तो लोगों को बहुत मज़ा आता है, उसके बाद जब पीक पे जाता है और जब नीचे आ रहा होता है तब थोड़ा सा डर सा लगता है, तो वो तमाम चीज़ें कैप्चर हो जाती है जब आप इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन लवराज सिंह जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अब ट्रेनिंग पर आ रही है, जिस तरह का आपका गाइड है जो आपसे ये सब चीज़ें करवा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत मायने रखती है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा, इवन इफ आप टूरिस्टी एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, कैसे हम ये बातों को सुनिश्चित करें कि जिस भी इंसान के साथ या जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ हम जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल आ, 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 सब तरीके से सक्षम है आपको सही तरह की ट्रेनिंग देने के लिए और आपको उस एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो है पूरी तरह से निपुण कराने के लिए। तो ट्रेनिंग और गाइड को आप कैसे सिलेक्ट करें, कौन कौन से रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी आपकी लाइफ की भी बात हो रही है एक तरह से। जी बोलिए। जहाँ तक एडवेंचर में है कि अभी जैसे इंडिया में काफ़ी लोग जो है आउटडोर में जाना पसंद कर रहे हैं, जा रहे हैं और अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे भी आपको जाना है, क्या वो टूरिस्ट के हिसाब से आप जा रहे हैं या फिर आप अपना एक्सपीडिशन के लिए या अपना ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फिजिकल फिटनेस आपका होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस के साथ यदि आप एक्सपीडिशन कर रहे हैं तो आपके पास टेक्निकली नॉलेज भी होना चाहिए, आपने कोर्सेज किए होना चाहिए। यदि आप, मैं कहूँ कि माउंटेनियरिंग का कहूँ, तो माउंटेनियरिंग का इंडिया में जो है 5-6 इंस्टीट्यूट है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप कोर्स करके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी राफ्टिंग का भी जो है उत्तराखंड में भी करता है, हिमाचल में अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग अलाइड स्पोर्ट्स अभिमास मनाली वाले कराते हैं और उत्तराखंड टूरिज्म वाले कराते हैं राफ्टिंग का, और इस तरह से जो भी आप एक्टिविटीज करने के लिए जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यदि आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं और सपोज आप गंगा जी में जा रहे हैं, ऋषिकेश एरिया में आ रहे हैं, या फिर मनाली में जा रहे हैं, लद्दाख में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जिस एजेंसी के थ्रू आप राफ्टिंग करना चाह रहे हैं, तो उसका गाइड अच्छा होना चाहिए, उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन उसका कैसा है, उसका बैक हिस्ट्री कैसा है, वो देख के ही आप लोग जाइए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, वो लोग अपना एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, उनके पास प्रॉपर गाइड नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। और इसी तरह से मैंने बोला कि आप ट्रैकिंग में जा रहे हैं, तो ट्रैकिंग में भी जा रहे हैं तो जो आप सर्विस हैंडलिंग एजेंसी है आपका कहीं पे भी, तो उस एजेंसी का आपका, आपको बैक हिस्ट्री थोड़ा पता होना चाहिए, उस एजेंसी का लॉजिस्टिक कैसा है, उस एजेंसी का बैकअप सपोर्ट कैसा है, उसके साथ प्रॉपर गाइड है नहीं है जो पहले पहले गया हुआ है, और टाइम का आप जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रैकर्स खासकर जाते हैं, आजकल टाइम की कमियां हैं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई जो 10 दिन का ट्रैक है वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को 8 दिन में ट्रैक खत्म करा दो, और एजेंसी वाले क्या करते हैं कि उनको भी जो है वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे एजेंसीज खुले, वो भी क्या सोचता है कि भाई मेरे पास क्लाइंट आ रखा है, मैं इसको क्यों छोड़ू, मैं 8 दिन में करा दूंगा, वो भी बोलता है ठीक है डन, मैं 8 दिन में आपको करा दूंगा, लेकिन आपका बॉडी जो है उस एल्टीट्यूड में, यदि आप 12,000 से ऊपर की एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, 15-16-17 हज़ार की फीट में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको टाइम चाहिए, आपके बॉडी को जो है अक्लमेटाइज होने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन वो टाइम आप जो है जल्दी में उसको पार कर रहे हैं, आप दिन में एक एक दिन में आप सपोज 500 मीटर आप क्लाइम करना है, आप 1,000 मीटर जा रहे हैं, तो उसमें क्या कि आपको रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, और यही कारण है कि इसमें ज्यादातर कैजुअलिटी हो रही है या फिर जो है मिस हैपनिंग केसेस ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपको 8 दिन में पूरा करना है, तो आप प्रॉपर एक्लेमेटाइज होके यदि नहीं जा रहे हैं तो आप कितना भी दिल्ली में या किसी भी लो एल्टीट्यूड में कितना भी फिट है, उस एल्टीट्यूड में यदि आप जाएंगे हाई एल्टीट्यूड में, तो वहाँ कितना भी
फिजिकली फिट यूनियन, वहां पे वो जो है वो रिएक्शन दिखाएगा अपना एल्टीट्यूड, तो उस एल्टीट्यूड में जो है बड़ा मुश्किल रहता है। बहुत सारे जो एल्टीट्यूड बीमारियां वो आपको आपके अंदर आएगा और वो इतना फास्ट जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि रेस्क्यू करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसे मेडिसिन देने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप प्रॉपर प्लान करके जाइए, जो एटेनरी है उस एटेनरी के हिसाब से आप जाने की कोशिश करिए, और साथ में मेडिसिन आपके साथ जरूर होना चाहिए, आपको आपका पर्सनल जो किट है वो होना जरूरी है, तो तभी आप जो है आगे क्लाइंबिंग कर सकते हैं। यदि कम्युनिकेशन, हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन जो है लाइफ लाइन है, उस एल्टीट्यूड में सपोज छोटा सा भी इंजरी हो गया, कहीं पे पाँव मुड़ गया या चोट आ गई, आपको हेली मंगाना है या फिर रेस्क्यू करना है और इमिडिएट नीचे डाउन करना है, तो ऐसे टाइम में यदि आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है उसको आगे मैसेज पहुंचाने में, वहां से रेस्क्यू टीम आने में, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आपने अभी 4-5 साल पहले या 3-4 साल पहले भी देखा होगा, बहुत सारे ट्रैकिंग में जो है बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई थी सितंबर अक्टूबर के महीने में, उसका मेन कारण यही था कि अचानक वेदर खराब हो गया और कैंप छोड़ दिया। तो जब स्नोफॉल होता है, फ्रेश स्नो होता है, उसमें आप यदि रूट ओपन करके जा रहे हैं तो बहुत ही फिजिकल बहुत ज्यादा जो है टाइटनेस आता है, क्योंकि उसमें आपको रूट खोलना बड़ा मुश्किल होता है, और यही कारण था लोगों ने अपना जो सेफ कैंप था वहां से आगे निकले, उनके पास टाइम कम था और आगे जब निकले तो इतना थक गए रूट खोलते खोलते, और जो जहां थे वहीं पे रात को जो है हाइपोथर्मिया हो गया, फिर ठंड से फिर वो सुबह तक जो है उनकी मौत हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इसलिए जहां पे भी आपको जाना है जिस बिल्कुल एडवेंचर उसको जो भी करना है उसके बारे में थोरोली आप नॉलेज रखिए, और जिस हैंडलिंग एजेंसी को आप ले रहे हैं उस हैंडलिंग एजेंसी का बैक हिस्ट्री देखिए, उसका गाइड का और अपने आप तो की एक खुद। रेजीम और एक आईटीनरी जो आपको दी गई है उसको तो आपको फॉलो करना ही है। लेकिन डॉक्टर हेमंत, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे क्योंकि समय हमारा लगभग खत्म हो चुका है। जिनको प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं उन्हें इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए किस तरह की परमिशन डॉक्टर से ले लेनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि भले ही किसी भी तरह की आपको प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, कुछ भी करें आप, हाइक्स पे भी अगर जाना चाहते हैं, हाइक ट्रेल्स भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, उनको भी हम एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासतौर से अगर आप मानसून में जा रहे हैं तो मान सकते हैं। किस किस तरह से डॉक्टर से सलाह मशवरा लेकर आपको जाना चाहिए आगे? देखिए, इसमें जो प्रिडोमिनेंट एक किस्म से फिटनेस चाहिए होता है किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, वो एसेंशियली कार्डियक या कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस चाहिए होता है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का मतलब है कि हम कार्डियक साइड ऑफ से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप फिट है, आपका हार्ट फिट है और आपके लंग्स फिट हैं उस एक्टिविटी को सहने के लिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, उसमें आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि हम कितने डेप्थ में इवैल्यूएट करेंगे। अगर तो एक साधारण आदमी है से अराउंड 50-55 years ऑफ एज, जो कि स्मोकिंग नहीं करता, रोजमर्रा की एक्टिविटी उसकी ठीक है, तो उसको हम हो सकता है ECG और एक स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टाइप का टेस्ट करके उसको हम क्लियरेंस दे दें। मगर कोई इंसान है जो कि जिसके पहले बाईपास हो चुकी है या जिसके पहले डायबिटीज है, स्मोकिंग बहुत हैवी है, फिर उसमें हम हो सकता है थोड़े और डिटेल में इवेल्युएट करके उनको फिटनेस दिया जाए। तो ये जो देर इज नो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, और फिर इस पे भी निर्भर करेगा कि वो किस तरह की एक्टिविटी करना चाहता है। जैसे मिस्टर लवराज ने बोला कि 12,000 और 15,000 फीट के ऊपर जो है वो बिल्कुल अलग एक फिजियोलॉजी है, वो एब्सोल्युटली फिजियोलॉजी को हम दिल्ली के प्लेन्स या बॉम्बे के प्लेन से कंपेयर नहीं कर नहीं कर सकते हैं। सकते। वहां पे चार अलग अलग चीजें होती हैं। वन इज हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, दूसरा टेरेन खराब है, तीसरा एक्सट्रीम कोल्ड है, और चौथा सडन चेंज इन टेम्परेचर। ये चार चीजें जो हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड को प्लस को सिग्निफाई करती हैं। तो हमने एक इंडिविजुअल वो कराना पड़ेगा कि एक इंडिविजुअल फिटनेस, बट
मैं इसको एक दूसरे नजरिए से भी देखता हूँ कि अगर एक एडवेंचर एक्टिविटी की वजह से एक इंसान में एक फिटनेस का जोश पैदा होता है तो वो भी एक बहुत बड़ी चेंज है सोसाइटी के लिए। इंडिया इज जनरली अ लेस फिट सोसाइटी। हमारे जहन में पैसे कमाना जरूरी है, बाकी सब बिल्कुल चीजें सही करना, कह रहे हैं आप। इस पे हाँ हम उतना ध्यान नहीं देते। तो सपोज अब मैं ये डिसाइड करूं कि मैंने एक डीप सी डाइविंग करनी है पोर्ट ब्लेयर में इन द मंथ ऑफ नवंबर, और उस एम से मैं अभी से अपना फिटनेस रेजीम शुरू कर दूं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आई थिंक वी शुड लुक एट इट पॉजिटिवली बिल्कुल रादर देन थिंकिंग कि ये रिस्क है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारे जिंदगी में एक चेंज लाने की कोशिश कर। एब्सोल्युटली, आपके लाइफस्टाइल में, आपकी सेहत के लिए, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा रोमांच भी ऐड करता है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है कि जैसे कि हम देखते हैं आजकल लोगों की बकेट लिस्ट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है एडवेंचर स्पोर्ट्स भी इसमें बहुत प्रोमिनेंट जगह अब आने वाले वक्त में लेती हुई हमें दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। और इस खास पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।